डियर स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे कि एन सीड्सो के किसी वृक्ष में यथार्थ एन माइनस वन कोरे होते हैं। कोई भी वृक्ष है और उस वृक्ष में यदि एन सीड्स हैं तो एन माइनस वन कोरे उसके अंदर होती हैं। वैसे भी अपन देखते हैं, जैसे एक क्योंकि वृक्ष है तो इसका मतलब ये पार्श्व रहित संबद्ध है, चक्री ग्राफ है, तो ये आपका एक एक सीड्स का एक वृक्ष है जिसमें कितने कोरे हैं, एक सीड्स है, जीरो कोरे हैं। आप देख रहे हैं कि दो सीड्स लें तो अपने पास ये स्थिति संबद्ध ग्राफ आपका है, चक्री है, तो इस दो सीड्सों वाले में एक कोर है। तीन सीड्स हैं तो आप देख रहे हैं कि तीन सीड्स वाले वृक्ष के अंदर दो कोरे हैं। चार सीड्स वाला वृक्ष लें तो अपने पास ये स्थिति भी बन सकती है, ये स्थिति भी अपने पास बन सकती थी चार सीड्स वाले ग्राफ के लिए, वृक्ष के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कोई सी भी स्थिति हो, आप देख रहे हैं कि चार सीड्स हैं तो उस केस में तीन कोरे हैं, तीन कोर है। तो इस प्रमेय को अपन प्रूव करने के लिए अपन गणितीय आत्म सिद्धांत है उसके द्वारा अपन प्रूव करेंगे। तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर यदि एक सीड्स है, एक ही सीड्स है तो कोरे कितनी है, जीरो है, क्योंकि पास रहित ग्राफ है। अब अपन देख रहे हैं कि प्रमेय तो एन बराबर एक के लिए सत्य है, के लिए अपन सत्य मान लेंगे और k प्लस वन के लिए इस प्रमेय को अपन सत्य दिखाएंगे। तो माना t एक वृक्ष है, वृक्ष है जिसमें n सीड्स है, कितने सीड्स है, n सीड्स है। सिद्ध करेंगे करेंगे कि वृक्ष टी में एन माइनस वन कोरे हैं। तो अपन सिद्ध करेंगे कि वृक्ष टी में एन माइनस कोरे हैं, एन माइनस कोरे हैं। तो ये जो चीज है वो अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय को गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो अपन ले रहे हैं कि वृक्ष जो टी है उसके अंदर एन सीड्स हैं, एन का मान एक है। तो फल यदि एन बराबर एक है तो इसका मतलब वृक्ष टी में केवल एक सीड्स है, तथा कोरे कितनी होंगी इसके अंदर, एक माइनस एक बराबर जीरो कोरे होंगे। तो n बराबर एक है तो तब वृक्ष टी में केवल एक सीड्स है तथा एक माइनस एक बराबर जीरो कोरे हैं, क्योंकि वृक्ष टी पाश रहित ग्राफ है, रहित ग्राफ है। अतः प्रमेय है या प्रोकथन है एन बराबर एक के लिए सत्य है।
एन बराबर एक के लिए सत्य है। तो अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर ये वृक्ष एन बराबर वन है, तो ये जो वृक्ष बना उसके अंदर आपके पास केवल एक सीड्स है, ये एक ये आपका वृक्ष टी है जिसके अंदर केवल एक सीड्स है, और तो कोरें कितनी हैं, जीरो, पास रहित है, ग्राफ है ये। अब अपन देख रहे हैं कि यदि एन का मान दो है एन बराबर दो है तो अब देख रहे हैं कि इस वृक्ष के अंदर दो सीड्स हैं, दो सीड्स हैं तो अपने पास ये स्थिति बनेगी, दो सीड्सों का वृक्ष है, कितनी कोर हैं इसके अंदर, एक कोर है क्योंकि ये पार्श्व रहित संबद्ध चक्रीय ग्राफ होता है वृक्ष। तब वृक्ष टी में दो सीड्स तथा दो माइनस एक बराबर एक कोर है जैसा डायग्राम में बनाया हुआ है, अतः परमेय एन बराबर दो के लिए भी सत्य है। अब एन बराबर के लिए सत्य मान लेंगे, तो माना परमेय के सीड्सों वाले वृक्ष के लिए सत्य है, के सीड्सों वाले वृक्ष के लिए सत्य है। अर्थात इस के सीड्स वाले वृक्ष के अंदर कितने कोरे हैं, के माइनस वन कोरे हैं। तो माना वृक्ष टी में के माइनस प्लस वन सीड्स हैं, के प्लस वन सीड्स हैं, चूंकि टी एक वृक्ष है अतः टी एक संबद्ध ग्राफ है। टी कस है संबद्ध ग्राफ है तो इम्प्लाइज टी के प्रत्येक सीड्स युग्म के मध्य पथ है, इसके अंदर एक पथ है आपके पास, प्रत्येक सीड्स युग्म के मध्य पथ है। तो माना अधिकतम लंबाई का पथ ले लें वृक्ष टी में, तो माना पी वृक्ष टी में महत्तम लंबाई का कोई फत है, इससे बड़ा फत वृक्ष के अंदर नहीं है। अब क्योंकि ये वृक्ष है तो ये महत्तम लंबाई का है तो ये चक्कर नहीं है, क्योंकि यह परिपथ नहीं है, अतः पी में एक शीर्ष ऐसा है जिसकी कोटि एक है। माना पी वृक्ष टी में महत्तम लंबाई का पथ है, चूंकि टी वृक्ष एक वृक्ष है
अतः टी अचक्रीय ग्राफ है। अचक्रीय ग्राफ है। अचक्रीय ग्राफ है, अतः पी जो है एक चक्र नहीं है, चक्र नहीं है या चक्कर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो पी आपका में चक्कर नहीं है या पर, तो इसका मतलब क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी पथ आपका होता है उसके अंदर आंतरिक सीड्स होते हैं उनकी कोटि दो होती है और बाह्य सीड्स होते हैं उसकी कोटि विषम होती है, एक होती है, क्योंकि अचक्रीय ग्राफ आपका है, अधिकतम लंबाई का है, अतः पी एक चक्कर नहीं हो सकता तथा पी में एक सीड्स तब पी में एक शीर्ष ऐसा होगा जिसकी कोटि कितनी है, एक है। एक है और वो मान लें कि वो शीर्ष है वी है। माना यह शीर्ष वी है, चूंकि वृक्ष टी में सिर्फ वी की कोटि कितनी है, एक है। टी में सीड्स वी की कोटि एक है, अतः वृक्ष टी में से इस सीड्स वी तथा इस पर आपतित कोर को अपन निकाल दें या हटा दें, निष्कासित कर दें, कर देने पर प्राप्त ग्राफ है वो भी एक वृक्ष होगा। ग्राफ टी स्टार एक वृक्ष होगा और इस वृक्ष में कितने सीड्स होंगे, के को सीड्स होंगे, जिसमें के सीड्स हैं, क्योंकि एक सीड्स को निकाल दिया कि एक जिसमें के सीड्स होंगे। और अपन ने कहा कि जो प्रमेय है के सीड्स वाले वृक्ष के लिए सत्य है, सिंस हमारी परिकल्पना के अनुसार वृक्ष टी स्टार में यथार्थ है के माइनस वन कोरे होंगी, अपन क्या करें कि इस सीड्स और उस प्राप्तित कोर को वापस टी स्टार में जोड़ दें तो नया जो वृक्ष टी प्राप्त होगा उसमें कितने सीड्स हो जाएंगे, के प्लस वन सीड्स हो जाएंगे, कोर कितने जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, तो ऊपर में
के प्लस वन सीट्सों के लिए सत्य हो जाएगा। अब टी स्टार वृक्ष में सीट्स भी तथा इस पर आपतित कौर को पुनः अपन क्या करें, जोड़ दें या शामिल कर दें, कर देने पर प्राप्त वृक्ष टी में के प्लस वन सीट्स हो जाएंगे। कोरें कितनी हो जाएंगी, पहले के माइनस वन थी, अब कितनी हो जाएंगी, के कोरे हो जाएंगी, के कोरे होंगी। अतः परमेय के प्लस वन सीट्स वाले वृक्ष के लिए सत्य है। फलतः गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक n जो कि नेचुरल नंबर है सीट्स वाले वृक्ष में यथार्थ है, एन माइनस वन कोरें होती हैं। ये अपन परमेय थी। थैंक्स स्टूडेंट्स।